हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन एग्री ब्यूट्स। गाइस, जीबीपीयूटी के रिगार्डिंग कोई भी अभी तक ऑफिशियल अपडेट यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रोवाइड नहीं कराया है, लेकिन इस वीडियो में आपको पूरी ऑथेंटिक अपडेट्स बताने वाला और बहुत बड़ी लेटेस्ट अपडेट है मेरिट बेस्ड एडमिशन प्रोसेस को लेकर। सो वीडियो को पूरा देखना, और अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और चैनल पर सब्सक्राइब करना, बिकॉज काउंसलिंग तक की आपकी सारी ऑथेंटिक अपडेट्स इस चैनल के थ्रू स्पेशली जीबीपीयूटी के रिगार्डिंग एंट्रेंस के रिगार्डिंग मिलती रहेगी। सो जो अभी तक ऑफिशियल अपडेट आपको इतना पता कि यूजी और पीजी का एप्लीकेशन फॉर्म 15 जुलाई तक फिलअप किया जाएगा, यानी कि परसों तक, यानी कि 15 जुलाई तक यूजी और पीजी का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद की बात करें तो इस बार भी मेरिट बेस्ड एडमिशन प्रोसेस के बारे में विचार किया जा रहा है। पूरी तरीके से ऑथेंटिक अपडेट्स मुझे वहाँ के प्रोफेशनल वगैरह से मिलती रहती है, सो मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। और जो लेटेस्ट अपडेट अभी तक ये है कि एडमिशन प्रोसेस कैसे होगा, क्या एग्जाम पैटर्न फिर से लास्ट ईयर की तरह मेरिट बेस वाला होगा या फिर कुछ और हो सकता है, ठीक है। सो वीडियो को पूरा देखना, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बता दूं, 15 जुलाई तक एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होगा, ठीक है, ये चीज़ आपको पहले से पता होगा। और जो भी अपडेट आएगी वो 15 के बाद ही होगा, यानी कि नेक्स्ट फ्राइडे को, ठीक है, यानी कि 16 जुलाई को यहाँ पे मीटिंग होने वाली है यूनिवर्सिटी में, जो हमारे वाइस चांसलर हैं डॉक्टर तेज प्रताप सिंह के अध्यक्षता में ये मीटिंग हो सकती है, ठीक है। मैं पूरी तरीके से ऑथेंटिक अपडेट दे रहा हूँ यहाँ पे, मेरे पास अभी मैंने कल की डेट में बात किया वहाँ पे, तो पता चला है कि इस बार भी मेरिट बेस्ड एडमिशन के प्रोसेस के बारे में विचार किया जा सकता है, ठीक है। जो सबसे बड़ा मेन रीज़न इसका है कोविड, ठीक है, कोविड के थर्ड वेव की वजह से। अगर कोविड का थर्ड वेव नीट एग्जाम्स के बाद आ सकता है तो एग्जाम्स आपका फिर से ऑनलाइन मोड में, वो भी मेरिट बेस्ड एडमिशन प्रोसेस के बेसिस पे किया जाएगा। लेकिन अगर ठीक ठाक कंडीशन रहा यूके में या फिर ऑल इंडिया में, तो यहाँ पे एग्जाम्स आपके एंट्रेंस होगी। और उससे बड़ी एक अपडेट ये है कि इस बार का बीटेक एडमिशन, जो लास्ट ईयर यूट्यूब काउंसलिंग होती है उत्तराखंड की टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो काउंसलिंग होती है, इसके रिगार्डिंग में आज जल्दी आपको एक ब्रीफ वीडियो देने वाला हूँ। इसमें एडमिशन आपका 12th मार्क्स के बेसिस पे होने वाला है, ठीक है। तो यार ये बहुत बड़ी लेटेस्ट अपडेट है। जो भी बंदे जीबीपीयूटी में या फिर ऑल यूके में किसी भी टेक्निकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनका एडमिशन मेरिट बेस्ड प्रोसेस पे होने वाला, और सबसे बड़ा इसका रीज़न है कोविड, ठीक है। तो अभी ये चीज़ अप्लाई नहीं हुआ जीबीपीयूटी पे, यूजीपीजी कोर्सेज अप्लाई नहीं हुआ, लेकिन हाँ बीटेक कोर्सेज जो एडमिशन लेना चाहते हैं, लाइक अगर मैं आपको बता दूं, अगर आप जीबीपीयूटी से बीटेक करना चाहते हो और आपने जेई मेंस का एग्जाम्स दिया है, ठीक है, और आपके 12th में अच्छे खासे मार्क्स हैं, तो आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। वो अभी अपने 12th के मार्क्स के बेसिस पे लास्ट ईयर की तरह इस बार भी यूट्यूब की काउंसलिंग मेरिट बेस्ड प्रोसेस पे ही होगी, ठीक है। जेई मेंस तो हर साल रहता है, वो तो ठीक है चलेगा, लेकिन मेरिट बेस्ड प्रोसेस भी एडमिशन होने वाला। मेरी बातों को ध्यान से सुनना दोस्त, और ये यूजीपीजी के लिए नहीं है, ये केवल बीटेक कोर्सेज के लिए, ठीक है। तो यूजीपीजी की एप्लीकेशन फॉर्म 15 जुलाई तक फिलअप होगी, और मैंने कल की डेट में बात की वहाँ पे, तो ये पता चला है कि 16 जुलाई को मीटिंग हेल्ड होने वाली है जीपीयूटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में, तो जिसके रिगार्डिंग ये फैसला लिया जाएगा कि मेरिट आपका एंट्रेंस कराया जाए या फिर मेरिट बेस्ड एडमिशन कराया जाए, क्योंकि पूरी तरीके से अभी भी कोविड के थर्ड वेव के आसार धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। और आई थिंक मैं यूके से हूँ नहीं, मैं बीएचयू से हूँ, तो यार बनारस से हूँ, ठीक है, तो मुझे वहाँ का कोई आइडिया है नहीं कि क्या कंडीशन है वहाँ पे कोविड वगैरह की। अगर कंडीशन के बेसिस पे देखा जाए तो उनका कहना है, जो हमारे टेक्निकल यूनिवर्सिटी में प्रोफेशन है, नाम में नहीं बता सकता, ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंग अगर यूके में कोविड का थर्ड वेव आ सकता है सेप्टेम्बर में, तो यहाँ पे एंट्रेंस नहीं होगा और मेरिट बेस्ड एडमिशन प्रोसेस लिया जाएगा, ठीक है। तो बहुत बड़ी लेटेस्ट अपडेट है कि यूट्यूब की काउंसलिंग मेरिट बेस पर स्टार्ट होगी अगस्त के लास्ट वीक से, और यूजीपीजी का एडमिशन स्टार्ट होगा सेप्टेम्बर के फर्स्ट वीक से, वो भी एंट्रेंस होगा अगर कोविड का सिचुएशन ठीक रहा तो, और नहीं रहा तो मेरिट होगा, ठीक है। ये बड़ी लेटेस्ट अपडेट थी, और अपनी प्रिपरेशन आप कंटिन्यू करते रहो यार, अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है क्या होगा कैसे होगा, बट एक ऑथेंटिक अपडेट्स मान के चलना कि मेरिट बेस के भी चांसेस यहाँ पे हो गए हैं, ठीक है। तो ऐसी कोई बात नहीं कि मेरिट बेस नहीं हो सकता, हो सकता है, और एक्चुअल में देखो यार लेट हो चुका है बहुत ज्यादा। लास्ट ईयर तक एग्जाम्स जुलाई मंथ में हो जाते थे, ठीक है, हमेशा से एग्जाम्स जुलाई मंथ तक, जून तक हो जाते थे, लेकिन इस बार से एग्जाम्स सेप्टेम्बर मंथ में होने जा रहे हैं, यानी कि अगस्त में भी एडमिट कार्ड आएगी आपकी, और सेप्टेम्बर में फर्स्ट वीक तक एग्जाम्स होगा, नीट के पहले या नीट के बाद, ये चीज़ क्लियर नहीं है, ठीक है। तो बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है कोविड का इस पे और मेरिट बेस्ड एडमिशन पे। सो फिर भी देखो यार, मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, सो आप वीडियो में कमेंट नहीं करना कि डीमोटिवेट कर रहे हो भाई आप, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप प्रिपरेशन करो, कोई भी हेल्प चाहिए मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे, वहाँ पे ऐड हो जाओ, वहाँ पे एमसीक्यू स्टार्ट करो मैं जीपीयूटी आईसीआर से रिलेटेड, सो आप वहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो पूरी तरीके से स्टडी हार्ड यार, प्रिपरेशन करते रहो, कोई दिक्कत नहीं, कोई ऑफिशियल अपडेट आएगी मिल जाएगी आपको, बट एक मान के चलना कि मेरिट बेस्ड एडमिशन भी हो सकता है। और ये प्रोसेस यहाँ पे जो बीटेक एडमिशन होता है जेई मेंस के थ्रू, उसमें अप्लाई हो चुका है इस बार से ही, अपना एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सो मिलते हैं नए वीडियो में, जैसे कि ऑफिशियल अपडेट आती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, और यार वीडियो को लाइक कर दो भाई, ठीक है।